नमस्कार, एशिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की बुलेटिन पर। बस्तर जिले में आयोजित विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने के लिए गकावंड पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंच से कहा कि महतारियों को हर महीने के पहले सप्ताह में योजना के तहत 1,000 रुपए की किश्त भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने अपनी सरकार के पहले 100 दिन में हर वर्ग के लिए काम किया है। देश में भी भाजपा की सरकार लगातार विकास कर रही है। सीएम विष्णुदेव साय ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के साथ ही प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा किए गए कामों को लेकर लोगों के बीच जाना है। 10 साल प्रधानमंत्री बनुन बाती हम चो देश चो सेवा कर ला, हम चो गांव चो, गरीब चो, किसान चो, सबे समाज, धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग सब चो काजे उन्तमन चो योजना से 114 योजना चले से फिर तीसर बार हम चो प्रधानमंत्री मोदी जी हो तो राय कि नहीं हो तो राय फिर एक बार और अब की बार खूबे खूबे धन्यवाद। शौचालय घर घर बना तो बीता कौन, अपन मन के कोरोना चो 3 वैक्सीन लगा तो बीता कौन, अपन मन घरे कोरोना बेरा ले आज तक मुफ्त में गोटो कदमी 5 किलो चावल फ्री में दे तो बीता कौन, जनधन खाता खोल तो बीता कौन, पूरा देश को विकास को गति प्रदान कर तो बीता कौन। वेद प्रकाश पांडे जी, विधानसभा के प्रभारी आलोक ठाकुर जी और मंच में विराजमान हमारे सभी नेतागण और इस कार्यकर्ता सम्मेलन में पूरे बस्तर विधानसभा क्षेत्र से आए हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों और बहनों और प्रेस के मित्रों, मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने के बाद पहली बार आप लोगों के बीच में हमारा आना हुआ है। पहली बार आप लोगों का दर्शन लाभ मुझे मिल रहा है और आप लोगों ने बड़ी आत्मीयता के साथ स्वागत किया है, बड़ा बड़ा गजमाला पहनाकर। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी लोगों का भी हमारे तरफ से हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है। आज और अभी ये जो मुखिया था छत्तीसगढ़ का भूपेश बघेल, पूरा ये जो भ्रष्टाचार का सरगना आज सीधे सीधे उसके ऊपर भी आरोप हो रहा है। महादेव एप में 508 करोड़ प्रोटेक्शन मनी लेने का, 508 करोड़ उसके ऊपर में एफआईआर हो गया है, थाने में रिपोर्ट हो गई है। अब वो बोलता है कि ये भाजपा वाले हमको फंसा रहे हैं, चुनाव आ गया तो फंसा रहे हैं। ये जहां तो वही शुरू करवाया था ना, महादेव एप का जहां तो उन्हीं के सरकार में शुरू हुआ था, जो जांच आज भी चल रहा है। और आज देने वाला बोल रहा है कि प्रोटेक्शन मनी हम 508 करोड़ रुपया भूपेश बघेल को दिए हैं, इससे और बड़ा प्रूफ क्या चाहिए। और आज अगर वो पाक साफ है 508 करोड़ प्रोटेक्शन मनी नहीं लिया है तो उसको नहीं डरना चाहिए, उसको तो बोलना चाहिए कि और बड़ा से बड़ा जांच बैठ जाए हमारे ऊपर, हमने गलती नहीं किया है, हमने पैसा नहीं खाया है, तो उसको डरना नहीं चाहिए। लेकिन चोर के दाढ़ी में मतलब तिनका है, इनके दाल में काला है। लोग तो बोलते हैं कि पूरा इनका दाल ही काला है। अभी 2-3 प्रधानमंत्री जी उस दिन बनारस से जुड़े थे वर्चुअली, वहां से आशीर्वाद दिए और 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को 655 करोड़ रुपया एक महीना का 1,000 रुपया के हिसाब से उनके खाता में भेजे। और आज मैं मुख्यमंत्री के नाते हमारी माता बहनों को कहना चाहूंगा कि हर महीना महतारी बंधन योजना का पहले सप्ताह में पैसा डल जाएगा, पहले सप्ताह में 7 तारीख के अंदर अंदर अगले महीना का आप लोगों का पैसा
अप्रैल महीना का 7 अप्रैल के पहले आप लोगों के खाता में चला जाएगा। रामलला दर्शन योजना का शुरुआत कर चुके हैं, आपके बस्तर क्षेत्र से भी ट्रेन जा चुका है, हमारी जानकारी में है, रायपुर से शुरू किए थे, लगातार अब 8 दिन 10 दिन में राम भक्तों को लेकर रामलला दर्शन योजना में पूरा सरकारी खर्चे में भगवान राम का दर्शन कराने का बीड़ा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठाया है। तेंदू पत्ता पिछले बार कांग्रेस की सरकार 4000 बढ़ा दिया, लेकिन 3 दिन खरीदता था, हमारे लोग तेंदू पत्ता बेच नहीं पाते थे, लेकिन अब 4000 को बढ़ा के हम लोग 5500 प्रति मानक बोरा के हिसाब से खरीदेंगे और पूरा पत्ता खरीदेंगे। और जो डॉक्टर रमन सिंह के समय में जो व्यवस्था थी चरण पादुका योजना का, बीमा का, हमारे संग्राहक परिवार के बच्चों को स्कॉलरशिप का, ये सब व्यवस्था फिर से शुरू होने वाला है, तो ये सब काम करने वाले हैं। तो आप लोग सिर्फ डबल इंजन की सरकार बना दीजिए, यहां से आप लोग श्री महेश कश्यप को सांसद बना के भेजिए, नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, डबल इंजन की सरकार बनेगी तो छत्तीसगढ़ का विकास। दुर्ग विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हुई कार्रवाई के संबंध में कहा कि उनके खिलाफ साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की गई है। श्री चौधरी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि भूपेश बघेल धान में 4-5 हजार करोड़ रुपए देते थे, वो भी 4-4 किश्तों में किसानों को तरसा तरसा कर देते थे। इस बार हमारी सरकार ने 1,13,320 करोड़ रुपए की राशि 970 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों को दे दी है। उन्होंने आगे कहा कि पहले कांग्रेस को भूपेश बघेल को जवाब देना चाहिए, शराब माफियागिरी करके कच्चा पक्का करने 2,000 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला उन्होंने कैसे किया है। भूपेश बघेल जी धान में 4-5 हजार करोड़ रुपया देते थे और उसको 4 किस्त में तरसा तरसा के देते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे। इस बार एक मुश्त 13,320 करोड़ रुपए की राशि 970 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से दी गई है। महतारी वंदन के बारे में बोलना चाहूंगा, 2018 के जन घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा था प्रति माह 500 रुपए था, साल का 6,000 रुपया वो लोग देंगे, लेकिन 5 साल में उन्होंने 5 रुपए तक किसी माता बहन को नहीं दिया। आज हम 70 लाख से अधिक माताओं बहनों को हम प्रति महिला जो पात्र है उनका 1,000 रुपए, अगर वो सही है तो और बड़ी जाँच के लिए उनको तैयार रहना चाहिए। कोई भी कोर्ट में प्रक्रिया होती है, कोई मोदी जी के कोर्ट का कोई कोर्ट नहीं होता है, कोर्ट होता है न्यायपालिका का। अगर ईडी उनको गिरफ्तार की तो साक्षियों के साथ कोर्ट में प्रस्तुत करती है, 9-9 बार उनको समन किया गया वो नहीं गए, 10वें बार समन करके उनको एविडेंस के साथ साक्ष्यों के साथ ले जाया गया है और उन पे जो भी निर्णय लेगी वो न्यायपालिका लेगी और वो साक्ष्यों पर आधारित होगा, उस पर किसी पार्टी का कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस पूरी तरह से एक डूबती नाव है, उस पर किसी का भरोसा नहीं रह गया है, वो एक लुप्त प्राय समाप्त प्राय स्थिति में पहुंच गई है। पिछले 2 चुनाव से बड़ी मुश्किल से नेता प्रतिपक्ष का भी वो दर्जा हासिल नहीं कर पा रहे, इसलिए उनको कुछ भी वो बोल रहे हैं उसका कोई औचित्य नहीं है। भाजपा की गारंटी, मोदी जी की गारंटी को ही छत्तीसगढ़ की और देश की जनता स्वीकार करेगी, क्योंकि मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी के पूरे होने की गारंटी। कितनी सीटें? नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन पर कितने तरह के केस लगाए गए, कितने तरह से सेंट्रल एजेंसियों ने उन पर जांच की, पूछताछ की, एक दिन भारतीय जनता पार्टी सड़क पर आकर प्रदर्शन नहीं की। उन्होंने लीगल मैटर को लीगल तरीके से फेस किया और माननीय न्यायालय के न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से बेदाग साबित हुए। अगर केजरीवाल जी के चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है, इनको पता है इन्होंने गड़बड़ी की है, इसलिए दुनिया भर का हल्ला कर रहे हैं। मोदी जी का स्पष्ट सिद्धांत है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, वे चौकीदार के रूप में देश में जो भी गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जितना कर्ज हमने पिछले 3 महीने में लिया है उससे 1.5 गुना की अधिक, 1.5 गुना से भी अधिक राशि केवल किसानों महिलाओं के लिए खर्च किया है, तो हम जितना कर्ज ले रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन को हम प्रदान कर रहे हैं। हम योजनाओं को भी लागू करेंगे, वित्तीय व्यवस्था को भी कांग्रेस से कई गुना बेहतर करके दिखाएंगे। अभी कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ बंगाल छोड़ दिया था, इसलिए शुरुआती फेज में पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश भर में मोदी जी की लहर ही नहीं सुनामी चल। पहले
कांग्रेस को भूपेश बघेल जी को जवाब देना चाहिए कि शराब के माफियागिरी करके कच्चा पक्का करके 2000 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला उन्होंने कैसे किया। महादेव ऐप के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए की उगाही करके छत्तीसगढ़ की युवाओं के भविष्य को क्यों खराब किया गया, चाहे गोठान हो, चाहे डीएपी हो, चाहे यूरिया हो, चाहे पीएससी हो, चाहे भर्ती हो, सब जगह माफिया राज क्यों स्थापित किया, ये उन्हें स्थापित पहले छत्तीसगढ़ की जनता को जवाब देना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड में भी भाजपा से ज्यादा राशि तो विपक्ष के लोगों को 400 पार, छत्तीसगढ़ में 11 में से 11 सीटें छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन कमल के पुष्प के रूप में आशीर्वाद के रूप में नरेंद्र मोदी जी को अर्पित कर न्यायिक प्रक्रिया के तहत होता है, साक्ष्यों के आधार पर होता है, एक वैधानिक प्रक्रिया चल रही है, एजेंसी जो वैधानिक प्रक्रिया के तहत काम कर रही है उसके अनुसार कार्रवाई होगी। मोदी जी का स्पष्ट है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, उसके तहत जो भी दोषी होगा उसको सजा जरूर होगी। प्रेस को पता है कि वो बड़ी मुश्किल से दहाई का आंकड़ा पार करते हैं और 50 के आंकड़े को भी ठीक से पार नहीं कर पा रहे हैं पिछले दो चुनाव से। नेता प्रतिपक्ष की के लोकसभा में भूमिका को भी 10% जो सीट चाहिए वो भी अर्जित नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में तो कुछ भी बोल देंगे, उनको पता है कि सत्ता में। छत्तीसगढ़ कांग्रेस मुख्यालय में रायपुर लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक खत्म होने के बाद कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट ने अपने बयान में कहा है कि जब से राज्य बना है हमें यहाँ अच्छी सफलता नहीं मिली। इस बार मेरे पास सभी लोकसभा क्षेत्रों से फीडबैक है, इस बार लोकसभा चुनाव में लोग हमें आशीर्वाद देने वाले हैं, लोकसभा की अधिकांश सीटों पर हम जीत दर्ज करेंगे। कोई क्या बोल रहा है मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूं कि 11 लोकसभा सीट हैं और जब से राज्य बना है हम लोगों को बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली है, लेकिन इस बार जो फीडबैक मुझे मिला है मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, जनता माई बाप है, जनता जनार्दन है, पब्लिक का सपोर्ट हमको मिलेगा और पहले से कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रहेगा। जो सबसे उपयुक्त उम्मीदवार होगा वो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार होगा, पूरी पार्टी ताकत के साथ उसके पीछे खड़ी रहेगी जो भी पार्टी इकट्ठे करेगी उम्मीदवार। अरे हम किसी डरने वाले नहीं है, या आप आरोप लगा रहे हैं, केस कर रहे हैं, FIR कर रहे हैं, चार्जशीट कर रहे हैं, तो ये सब प्रतिशोध की भावना से निकले हुए काम हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन बॉन्ड्स के माध्यम से जो व्यापक भ्रष्टाचार किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अवैध घोषित किया, वो हजारों करोड़ रुपए आज भाजपा के खाते में है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उसकी जाँच होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ना बोलता तो खुलासा नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट अगर चंडीगढ़ के चुनाव में इंटरव्यू नहीं करता न्याय नहीं मिलता, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन बॉन्ड्स को इलीगल डिक्लेयर नहीं करता तो प्रकाशन नहीं होता तथ्यों का। तो सुप्रीम कोर्ट बहुत कुछ कर रहा है जिसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन भाजपा को अपने गिरबान में झांककर देखना चाहिए कि वो कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ACN न्यूज।
एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी, अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल। एडमिशन ओपन। हमारा पता भक्त माता कर्मा चौक, छावनी, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9589309949, 9893999132। नालिका रोटावेटर का बादशाह, जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के कणों में दुनिया का नंबर वन हेवी ड्यूटी रे सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। We'll be right back.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। माइलस्टोन एकेडमी में होली उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रिंसिपल श्रीमती सरोज नायक एवं हेड मिस्ट्रेस रश्मि सिंह की देखरेख में खुशियों से भरी सुरक्षित होली उत्सव का आयोजन संपन्न हुआ। बच्चों के मनोरंजन का दिन बहुत सोच समझ कर रखा गया था ताकि बच्चे बिल्कुल फ्री होकर होली उत्सव का आनंद उठा सके। इस दौरान बच्चों ने फूलों वाली होली खेली। संगीत की धुन और बच्चों की मस्ती के क्या कहने थे। बच्चों ने फूलों से भरपूर होली खेलकर मजे किए। बच्चों की फूलों वाली होली खत्म भी नहीं हुई थी कि बच्चों ने प्राकृतिक रंगों से सुरक्षित होली खेली। बच्चों ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि किसी की आंखों में गुलाल नहीं जाने पाए। पानी के रंगों से पिचकारी भर के बच्चों ने हर प्रकार की होली का मजा लिया। सभी बच्चों ने अपने घर से जो पिचकारी लाए थे उसमें रंग भरकर एक दूसरे के ऊपर रंग डाला और भरपूर डांस किया। माइलस्टोन के डायरेक्टर मैडम डॉक्टर श्रीमती ममता शुक्ला ने बच्चों की सुरक्षा के इंतजाम पहले से ही कर दिए थे। बच्चे मनोरंजन करते हैं और सारा माइलस्टोन परिवार बच्चों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहता है। बच्चे जोर जोर से बोल रहे थे, होली है भाई, होली है, हैप्पी होली। इस आवाज से पूरा माइलस्टोन गूंज रहा था। बच्चों ने प्रिंसिपल मैडम सरोज नायक को खूब रंग लगाया। मैडम ने भी बच्चों के साथ खूब मस्ती की। इस प्रकार से होली के उत्सव के साथ बच्चों का यह सत्र संपन्न हुआ। सभी लोगों को माइलस्टोन परिवार की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एशियन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट। माइलस्टोन एकेडमी द्वारा जुनवानी स्थित स्कूल में क्राफ्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे स्कूल और स्कूल के कमरों को पंचतंत्र की कथाओं के आधार पर सजाया गया था। बच्चों ने यहां एग्जीबिशन का खूब आनंद उठाया और पंचतंत्र की कहानियां भी सुनाई। शहर के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान माइलस्टोन एकेडमी द्वारा संचालित माइलस्टोन स्कूल जुनवानी रोड भिलाई में छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों के लिए क्राफ्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। यह क्राफ्ट एग्जीबिशन पंचतंत्र की कथाओं पर आधारित था। पूरे स्कूल को एक छोटे से जंगल के रूप में सजा दिया गया था और कमरों में भी पंचतंत्र की कहानियों के आधार पर छोटे छोटे एग्जीबिशन लगाए गए थे, जहां बच्चे उन एग्जीबिशन को देखकर उन कहानियों का वर्णन अपनी तोतली भाषा में कर रहे थे। स्कूल की प्राचार्य डॉक्टर ममता शुक्ला ने बताया कि बच्चों के अंदर आत्मविश्वास लाना और उनके अंदर से भय और शर्म को खत्म करने के उद्देश्य से ही यह क्राफ्ट एग्जीबिशन का आयोजन स्कूल द्वारा किया गया है एवं स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए आर्ट ऑफ लिविंग संस्था द्वारा प्रज्ञा योग कोर्स भी कराया जाएगा। प्रज्ञा योग कोर्स के द्वारा बच्चों के अंदर इंद्रिय क्षमता बढ़ जाती है और जागरूकता, दूरदर्शिता और आत्मविश्वास में भी अच्छा विकास होता है। इसके जरिए बच्चे स्वयं अपना मूल्यांकन कर खुद को मानसिक, शारीरिक तौर पर बलवान बना सकते हैं। ये क्या है जो साल भर बच्चों ने किया, सीखा, पढ़ा, समझा, उसका हम लोग डिस्प्ले करते हैं। आज उनका रिजल्ट भी है इसमें, उसमें इनकी बहुत सारी डेवलपमेंट के रिपोर्ट भी हैं, एकेडमिक रिपोर्ट भी है। तो सब कुछ साल भर का आप कह सकते हैं लेखा जोखा पिटारा है उनका, जो आज हम लोग उसको उनके पेरेंट्स को दे देते हैं, ताकि ये आज इनका लास्ट वर्किंग डे है और अभी अगली क्लास में जाएंगे। बहुत अच्छा, क्योंकि देखिए आज का जो हमारा थीम था वो पंचतंत्र, लैंड ऑफ पंचतंत्र था। तो आप जानते ही हैं पंचतंत्र पूरी जानवरों पर बेस्ड कहानियाँ हैं, बच्चों के लिए ही हैं, जिसमें उनको बहुत सारी सीख मिलती है।
तो हम लोगों ने इसके लिए 2 महीने पहले से हमारी तैयारी चल रही थी। और पेरेंट्स को कैसे अच्छा नहीं लगेगा, उनका बच्चा लाइफ लेसन भी ले रहा है, कहानियाँ भी सुन रहा है और ज़िंदगी के लिए आगे की बातें सीख रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी लगने वाली बात है और उन्हें अच्छी लगती भी है सभी को। आज हमारे यहाँ एक डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ इंट्यूशन प्रोसेस का, तो उसमें ये एक प्रोग्राम है जिसमें एक स्किल डेवलपमेंट है, सिक्स सेंस की डेवलपमेंट है, जिससे आप अनदेखे को बताते हो, उस चीज़ को जान जाते हो जो दिखाई नहीं दे रहा। इसका बच्चे के डिसीजन मेकिंग पर बहुत असर पड़ता है, पढ़ाई पर बहुत असर पड़ता है, टेस्ट अपीयरेंस पर बहुत असर पड़ता है और सोशल मेल जोल पर भी बहुत असर पड़ता है। तो उसका डिमॉन्स्ट्रेशन उन्होंने दिया था, अनिमेश है, अभी मैं मिलवाऊंगी आपसे। वो पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगा और मुझे तो अच्छा लगा, तभी मैंने उनको यहाँ इन्वाइट किया था, आमंत्रित किया था। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के द्वारा बच्चों को प्रज्ञा योग की जानकारी देने आए प्रशिक्षकों ने मीडिया को डेमो के माध्यम से इस प्रज्ञा कोर्स की आवश्यकता के बारे में बताया। वहीं स्कूल में पढ़ने वाली छात्र के पालकों ने प्रज्ञा कोर्स करने के बाद हुए बदलाव को मंच के माध्यम से देखा और उन्होंने भी इस कोर्स को अपने बच्चों को कराने में रुचि दिखाई एवं इस कोर्स को बेहतर बताया। ग्लास बॉक्स है, वुडन ग्लास बॉक्स, एंड उसके अंदर कोई स्कल्पचर रखा है, मंदिर है या कोई स्ट्रक्चर है जो वाइट कलर का है, एंड आपके बेटे शायद नीचे खड़े ब्लू टी शर्ट ब्लूइश कलर ही है, राइट लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट फोटो अगर मैं ऐसे पकड़ता हूँ तो उस साइड में खड़े, लेफ्ट हैंड साइड। बच्चों को इस कोर्स से काफी फायदा हो सकता है बिकॉज इंट्यूटिव पावर अगर किसी भी बच्चे में डेवलप हो जाता है, देयर आर फ्यू पीपल हु आर ब्लेस्ड विद दिस पावर, बट अगर जिन बच्चों में डेवलप हो जाता है, सो इट्स अ वेरी ह्यूज एडवांटेज इन देयर फ्यूचर लाइफ। आप किसी भी चीज़ को समझ सकते हैं, आप अपनी एक्टिविटीज़ को ही समझ सकते हैं कि इन व्हाट डायरेक्शन यू आर गोइंग। एजुकेशन में एडवांटेज इस जैसे मैं खुद भी वर्किंग मदर हूँ, आई मीन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर इंट्यूशन, आप अपनी मशीन्स को इंटेलिजेंट बना रहे हैं, है ना, किसी तरीके से सिखा के। सेम वे में अगर हम बच्चे में इंट्यूटिव पावर डेवलप करवाते हैं तो एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बी इट दी आर्टिस्टिक साइड ऑफ द किड, बी इट यू नो, हम बच्चों को मैथ्स के लिए वी सेंड देम टू यू नो दीज थिंग्स, जिसमें बच्चे एल्गोरिदम्स एंड एवरीथिंग बहुत ईजीली ऑन द फिंगर टिप्स दे करते हैं, सो इट कैन बी रियली हेल्पफुल इन ऑल द स्ट्रीम्स आई बिलीव। सो हेलो, आई एम अनिमेश, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ एंड मैंने इंट्यूशन लास्ट 8 साल पहले किया था। इंट्यूशन करने के बाद तब मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं था इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, बट मैंने जब कोर्स किया ऑन द वेरी फर्स्ट डे, हम लोग के 250 स्टूडेंट्स हम लोग ने कोर्स किया था, ऑन द वेरी फर्स्ट डे 95% ऑफ द स्टूडेंट वर एबल टू प्रेडिक्ट द कलर्स, ब्लाइंड फोल्डेडली कलर्स प्रेडिक्ट कर पाते थे, इवन पिक्चर्स में भी क्या है वो लोग प्रेडिक्ट कर पाते थे। तो मैंने ये कोर्स करने के बाद जब मेरे 12 के बोर्ड्स आए तो बोर्ड्स में मेरे को ये बहुत हेल्पफुल हुआ, मेरे क्वेश्चन पेपर्स में पहले से प्रेडिक्ट कर पाता था कि क्वेश्चन पेपर्स में क्या आने वाला है, तो इसके वजह से मेरे मैथ्स केमिस्ट्री एंड आपके इंग्लिश एंड बायोलॉजी में बहुत हेल्पफुल हुआ, मेरे को बहुत अच्छे मार्क्स भी आए स्कूल में। एंड उसके बाद मैं जो अभी हमारे बहुत सारे बच्चे जो ये कोर्स कर पाते हैं, मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे जो ये वाला कोर्स किए एंड डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट्स है उन बच्चों का, जैसे वो आपके हाथ पकड़ के बता देंगे कि आपके बॉडी में क्या क्या डिजीजेस हैं एंड एलिमेंट्स हैं। तो मैं ये कोर्स जब मैंने किया तो मेरे रिफ्लेक्सेस भी बहुत फास्ट हो गए ओवर द ईयर, एंड अभी रिसेंटली मैंने
ओवर द कोर्स ऑफ 8 years मैंने 1000+ केसेस सॉल्व किए, जिसमें पुलिस केसेस भी थे, जैसे मुंबई पुलिस, कर्नाटका पुलिस, एंड इन लोगों को मैंने बहुत बार हेल्प भी किया है इवन इंटरनेशनल केसेस, जैसे NYPD के केसेस मैंने उनको हेल्प किया है, एंड उनको थेफ्ट का हो, कोई मिसिंग पर्सन हो, किडनैपिंग हो, तो इनके बारे में मैंने उनको बहुत बार हेल्प करके उनके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किए। तो ये बच्चों के स्टडीज़ के ऊपर एक मैं बोलना चाहता हूँ कि ये एक रेवोल्यूशन ला सकता है ये कोर्स, तो बच्चों को ज़रूर कराएं, एंड इसके बेनिफिट्स अनलिमिटेड है, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। इस कोर्स का एज लिमिट है 8 to 18, तो आप लोग 8 to 18 के एज में आप बच्चों को करा सकते हैं। मैंने भी ऑलमोस्ट 18 होने वाला था उससे पहले किया था, अगर 2 महीने आपका छूट जाता है ना तो ये 18 के बाद कोर्स आप करा नहीं सकते हो, तो ये बहुत वैल्यूएबल टाइम है जो आपको पेरेंट्स को, हर बच्चे के लिए वैल्यूएबल टाइम है जो मिलता है उनको लाइफ में। इसके बाद आप करोड़ों रुपये भी दे दो ना, ये कोर्स आप नहीं करा सकते। 18 के बाद क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि ब्रेन ऑलरेडी डेवलप हो जाता है, जिसके वजह से हम लोग कोई भी चीज़ जो बचपन में हम लोग कोर्सेस कुछ भी करते लाइक कुछ भी सीखते हो ना, जैसे पियानो सीखते हो, बचपन में सीखना और बड़े में सीखने में डिफरेंस होता है। बड़े में आप सीखते हो ना तो बड़े में आपको टाइम लगता है कोई भी चीज़ ग्रैस्प करने में, बचपन में क्या होता है आपका ब्रेन इजिली मोल्ड कर सकता है कोई भी चीज़ों को, तो बचपन में आप जब सीख लेते हो तो आपका ब्रेन इजिली ले सकता है उस बात को, तो इसलिए हम लोग 18 तक ही एज रखें। मैं रश्मि जुनेजा, अभी हम यहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से एक प्रोग्राम करा रहे हैं बच्चों का, 8 से 18 साल तक के बच्चे ये प्रोग्राम कर सकते हैं, इंट्यूशन प्रोग्राम है, और ये 30 और 31 मार्च को हमारे भिलाई में होने जा रहा है, और श्रेया चुग हैं जो इस कोर्स को लेने आ रही हैं बैंगलोर से, ये इंट्यूशन की इंटरनेशनल टीचर हैं, और हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस कोर्स के बारे में लोग जानें और इसको समझें। तो हमने हमारे साथ यहाँ पे वेस्ट बंगाल से निमेश आया है जो 8 साल से इसकी प्रैक्टिस कर रहा है इंट्यूशन की, और उसको करने के बाद उसके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए और उसने कैसे अचीव किया इस चीज़ों को, वो आपके साथ शेयर करेगा। तो आप अनिमेश के साथ थोड़ी चीज़ें पूछ सकते हैं। एक बार पुनः 30 एवं 31 मार्च को माइलस्टोन स्कूल जुनवानी रोड भिलाई के प्रांगण में प्रज्ञा योग कोर्स की आवश्यकता को लेकर एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें शहर से हर कोई व्यक्ति शामिल हो सकता है और यह जान सकता है कि प्रज्ञा योग कोर्स बच्चों में किस तरह के बदलाव लाता है और बच्चे आत्मनिर्भर कैसे बन जाते हैं। एसीएन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एसीएन न्यूज। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय पब्लिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे, प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण, उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन, उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही CCTV कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी, अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय पब्लिक स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय पब्लिक स्कूल में सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन, संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता उदय पब्लिक स्कूल, उदय कॉलेज, नियर ACC बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8349381497। तो जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है उदय पब्लिक स्कूल। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान, बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं नर्सरी से कक्षा 8वीं तक, आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निशुल्क प्रवेश स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए। इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है, पुस्तकालय सुविधाएं हैं, CCTV कैमरा,
संगीत कक्ष, खेल, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियाँ, मल्टीपर्पस हॉल, महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दुर्ग के वार्ड 12 में बीती रात शराब के नशे में चूर गणेश यादव आरोपी ने अपने ही साथी राजेश यादव की पत्थर से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी। वहीं घटना से पहले दोनों ही आदतन शराबियों ने फाग गीत पर नगाड़ा बजाकर आनंद उठाया, जिसके बाद किसी बात पर हुई विवाद पर एक ने दूसरे पर प्राण घातक हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। शराब के नशे में आरोपी ने युवक को पत्थर से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी। दुर्ग शहर में आए दिनों शराब की कालाबाजारी और अवैध नस्ली दवाओं का मामला सामने आता है। इसके साथ ही नशे का इस्तेमाल करने वाले और आदतन नशेड़ियों की वजह से किसी न किसी मामूली बात पर विवाद पर लड़ाई झगड़ा उत्पन्न कर मामला हत्या तक पहुंचा दिया जाता है। इसी कड़ी में दुर्ग वार्ड 12 मोहन नगर पश्चिम में बीती रात्रि शराब के नशे में धुत फाग गीत की टोली नगाड़ा बजाकर आनंद उठा रही थी। जैसा कि आप टीवी की स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह ये दोनों शराब के नशे में चूर नजर आ रहे हैं। वहीं इसके बाद मिली जानकारी के अनुसार मोबाइल गुम होने की बात को लेकर मृतक राजेश यादव और आरोपी गणेश यादव का विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी गणेश यादव ने सारी हदें पार कर अपनी हैवानियत दिखाई। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि CCTV फुटेज में कैद हुए पल कितने दर्दनाक हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह आरोपी ने नशे में धुत अपने ही साथी की पत्थर से कुचलकर निर्मम हत्या कर देता है, जिसके साथ वो थोड़ी देर पहले नगाड़ा बजाकर फाग गीत का आनंद उठा रहा था।
इसी कड़ी में मोहन नगर पश्चिम वार्ड 12 के सक्रिय पार्षद अजीत वैद्य ने इस घटना को लेकर शासन प्रशासन से अपील कर कहा, लगातार नशे के सेवन के साथ घटनाएं बढ़ रही है, असामाजिक गतिविधियों को रोकने पुलिस प्रशासन पूरी तरह से वार्डों में सजग रहे, साथ ही पेट्रोलिंग टीम गश्त लगाकर जारी रखवाए जिससे आपराधिक किस्म के लोगों में भय बना रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मृतक राजेश यादव की अभी हाल ही में शादी हुई है, पहले होली के लिए मायके गई उसकी पत्नी को घटना की जानकारी लगते ही वो सुध-बुध खो बैठी। वही मृतक और आरोपी दोनों ही मजदूरी का काम करते हैं। इस संबंध में वार्ड पार्षद अजीत वैद्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जिले का नागरिक हूँ, आमापाड़ा मोहन नगर वार्ड 13 का हूँ निवासी। मैं सर बहुत परेशान हूँ, मेरे मोहल्ले में नशे का आदि हो गया बहुत, मैं भी दुखी रहता हूँ। मैं भी मजदूर आदमी हूँ, काम धंधा करता हूँ, नशे में कुछ भी आने जाने में भी तकलीफ होता है, मारपीट नशे की हालत से कहीं कुछ भी बोल देता है तो मैं किसको क्या बोलूं सर, हैं ये सब तकलीफ है तो मैं क्या कर सकता हूं सर। इतनी बड़ी घटना हो गई मोहल्ले में, मेरा भी बच्चा है, हो सकता है वो बच्चे का भी हत्या हुआ है, वो तो आज का बच्चा था, अब उसका हत्या कर दिया है। क्या लगता है कि जो घटना हुई क्यों हुई है? नशे के हालत से हुआ है सर, वो क्या है नशे में, अब जानते हो नशे कहाँ से आ रहा है, कौन कर रहा है ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन इतना भी नशे में नहीं रहना चाहिए। बाहर का नशे कारोबार कर रहा है, नशे में हो सकता है कुछ भी कर देगा, आज वो मरा है कल हम मर जाएंगे, ये सब बात है। इस घटना को ख़त्म करो, प्रशासन से इतना मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको रोके और रोकथाम करिए। ये नशा कहाँ से आता है? आज मेरे वार्ड में एक बच्चा राजेश यादव करके, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। इसका मुख्य कारण मैं जहां तक समझ रहा हूं सिर्फ और सिर्फ नशा है। मेरे वार्ड में या मेरे वार्ड के समीप जितने भी वार्ड हैं यहां पर नशों का कारोबार ऐसा फल फूल रहा है और इसको सह कौन दे रहा है, कैसे शासन प्रशासन पुलिस प्रशासन से मैं ये मेरी शिकायत है, जितने भी नशे का कारोबार करते हैं उसमें नकली कसा जाए और उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके साथ हो, ताकि मेरे वार्ड के लोगों को, मेरे वार्ड के रहवासियों को जो आज दहशत नुमा जो आज माहौल बना हुआ है, हर महिलाएं हर बच्चे मुझसे पूछते हैं हम लोग कहाँ जाएं, हर माँ मेरे से सवाल करती कि मैं अपने बच्चों को मेरे कौन से आंचल में से छुपा के रखूँ जहाँ ये नशाखोर लोगों से अपने बच्चों को बचा पाऊँ। मैं प्रशासन से ये करबद्ध अनुरोध करूँगा, मेरे वार्ड के समीप जितने भी क्षेत्रवासी हैं सबकी रक्षा सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन अपना शक्ति बढ़ाएं। और दूसरा, आसपास के एरिया में मैंने विगत लगभग मैं समझता हूँ 6 माह से किसी पेट्रोलियम को मैंने नहीं देखा है, और जो देखा हूँ तो वो रात में 2 बजे के बाद ही देखा हूँ। वो एक 2 बजे के बाद की पेट्रोलियम से मैं नहीं समझता कि सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल हो जाती है, जबकि पेट्रोलियम को हर क्षेत्र में कम से कम 4 से 5 बार पेट्रोलियम करना चाहिए, ताकि वहाँ के लोकल जो असामाजिक तत्व के जो लोग हैं उनके अंदर एक दहशत रहे कि पुलिस कभी भी आ जाती है। ये दहशत जब तक नहीं होगा तब तक लोग सावधान ही रहेंगे, और ये जो असामाजिक तत्वों के जो लोग हैं और नशे का जो कारोबार कर रहे हैं ये मैं समझता हूँ उनको जब तक अगर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, उन पर नकेल नहीं कसा जाएगा, तो ये घटनाएं जो आज हो रही है प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। आज मैं समझता हूँ दुर्ग शहर का ये माहौल लगभग आज 6वां या 7वां घटना है। आज रिसेंट में आज सुबह दुर्गा चौक में भी एक लड़के को राड से मारा गया, ये घटना भी पुलिस में, मैं थाने में था उस समय आई है। तो ऐसी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, पुलिस प्रशासन से मैं अनुरोध करूँगा कि इस पर वो बिल्कुल रोकथाम करें और अपना पुलिस बल बढ़ाएं, और मेरे वार्ड के लोगों को, मेरे शहरवासियों को रक्षा सुरक्षा आप प्रदान करेंगे, क्योंकि हम और ये पूरा भारतवर्ष जानता है पुलिस जागती है तभी आम आदमी सोता है। तो इस घटना होने के इतनी बड़ी घटना हुई है, इसके लिए पुलिस थोड़ा सा जागरूक हो जाए और उनका जो एक्चुअल जो काम है वो जागे, और ताकि हम लोग निवासियों को हमारी रक्षा सुरक्षा करें। वहीं इस मामले की जानकारी दुर्ग पुलिस को लगते ही मौके पर पहुंची मोहन नगर पुलिस ने घटना के संबंध में जानकारी लेकर फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है
और मृतक की बॉडी को मर्चुरी भिजवा दिया गया है। इस संबंध में एडिशनल एसपी अभिषेक झा ने अपनी भी प्रतिक्रिया दी। ये थाना मोहननगर का घटना है, कल शाम की ये घटना है। कल एक सूचना मिली थी थाने को कि जो एक व्यक्ति जो है वो शराब के नशे में एक जो पत्थर से किसी व्यक्ति को कुचल दिया है और वो घायल अवस्था में उसको अस्पताल ले जाया गया है। लेकिन अस्पताल से संपर्क करने पे पुलिस के द्वारा जब किया गया तो पता चला ब्रॉड डेड उसको घोषित कर दिया गया है। तो तत्काल पुलिस ने उस पर हत्या का मामला दर्ज करके उसकी खोजबीन चालू की और उसे तत्काल पकड़कर लाया गया और हिरासत में लेके पूछताछ करने पर उसके द्वारा अपना अपराध स्वीकार किया गया। स्वीकार करने के पश्चात जो संबंधित चीजें हैं जब्त की गई है और उसे आज माननीय न्यायालय ने पेश करके जेल दाखिल किया। ये आपस में विवाद हुआ था क्योंकि ये आदतन ये लोग शराबी प्रवृत्ति के हैं जिनके बारे में हिस्ट्री चेक किया गया था, शराब पीने के शौकीन थे। तो इसी बीच में किसी मुद्दे को लेकर इनके बीच में आपस में बहस हुई थी और उसके द्वारा सामने पड़े हुए पत्थर टाइप की चीजें से उसके बाद बात किया। सर आरोपी मृतक के खिलाफ पहले उसकी हिस्ट्री चेक की जा रही है कि अगर वो कहीं और भी दूसरे जिले के अन्य थानों में अगर कहीं किसी प्रकार का अगर अपराध हो तो उसके उसमें डायरी में एड किया जाए। ये लगातार ये जो भी है जो परिस्थिति के अनुसार अगर मान लो कुछ होता है जिस जगह में अगर झगड़ा होती है तो यहाँ जो आसपास जो चीजें पड़ी होती है अधिकतर मामलों में उसी का उपयोग अपराधी के द्वारा किया जाता है। तो उस दौरान जब पत्थर सामने में था प्रभावित हो सकता है पत्थर को। एसी न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भिलाई के रावणभाटा सुबेला में रात करीब 2:30 बजे घनी आबादी के बीच स्थित एक फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। लोगों ने इसकी सूचना तत्काल डायल 112 को दी। सूचना पाकर सुपेला थाना के पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। फायर फाइटरों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने में सफलता पाई। जिस फर्नीचर फैक्ट्री में आग लगी वह फर्नीचर फैक्ट्री वसंत विश्वकर्मा नाम के व्यक्ति की बताई जा रही है। फर्नीचर बनाने के लिए यहाँ रखे लकड़ी फोम जलकर खाक हो गए। बताया जाता है कि यहाँ कुछ केमिकल भी रखे हुए थे जो फर्नीचर में काम आते हैं, जिसके कारण आग और तेजी से फैल गई। यह आग कैसे लगी इसकी जानकारी अभी नहीं हो पाई है, फिलहाल जांच जारी है। जिस फर्नीचर फैक्ट्री में आग लगी वह घनी आबादी के बीच स्थित है। सभी घर एक दूसरे से लगे हुए हैं, साथ ही यहां कई पुस्तक की दुकानें भी मौजूद हैं। अगर यह आग फैलती तो एक बड़ा हादसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। एसीएन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ।